क्या होगा अगर लंकापति दशानन रावण और एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल के बीच फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो डेडपूल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है और वो गुस्सा आने पर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक सिंगल कैरेक्टर तक को मार चुका है। जबकि दूसरी तरफ रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था और वो हर तरह की फाइटिंग टेक्निक्स और वेपन्स को यूज करना जानता था। डेडपूल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा पर रावण बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था और इवन वज्र सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, इसलिए रावण डेडपूल के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सरवाइव कर सकता था। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली और विनाशक अस्त्र थे जो कि अपने एक ही अटैक से किसी व्यक्ति विशेष के साथ साथ पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और रावण अपने किसी भी ऐसे अस्त्र का यूज करके डेडपूल की पूरी बॉडी तक को से इरेज कर सकता था। पर डेडपूल भी इससे नहीं मरेगा क्योंकि डेडपूल की बॉडी किसी भी इंजरी को सरवाइव कर सकती है और इवन उसके पूरी बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी एक सिंगल सेल या खून की एक बूंद तक से उसकी पूरी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर सकती है। पर यह प्रोसेस इमीडिएटली एकदम से नहीं होता बल्कि इसमें टाइम लगता है और अगर रावण अपने किसी वेपन का यूज करके डेडपूल की पूरी बॉडी को एक्सरसाइज से इरेज कर दे तो डेडपूल को दोबारा से रीजनरेट होने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे और तब तक रावण इस फाइट को अपनी एक फेन समझकर आगे बढ़ चुका होगा और डेडपूल जब 5-6 घंटे बाद पूरी तरह से रीजनरेट हो जाएगा तो वहां पर कोई भी नहीं होगा। और अगर डेडपूल फिर से रावण के पीछे जाके इस फाइट को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है तो यही सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगी जिसमें डेडपूल दोबारा से फिर से ऐसे ही मरेगा। डेडपूल पावरफुल तो बहुत है पर पावर्स के मामले में रावण डेडपूल से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है और डेडपूल कभी भी रावण की पावर्स को मैच नहीं कर सकता क्योंकि डेडपूल एक ह्यूमन है इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है पर उसकी पावर्स रावण को मारने के लिए इनफ नहीं है और ना ही वो किसी भगवान का अवतार है, इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। और इस तरह से ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा दशानन रावण ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।